नमस्कार, मैं हूँ दीपक सिंह। आप देख रहे हैं डीएस जौनपुर। डीएस जौनपुर में आपका स्वागत है। जौनपुर ज़िले के साहगंज में स्वतंत्र शिशु मंदिर विद्यालय के प्रांगण में महिला पतंजलि योग समिति के तत्वाधान में नियमित योग कक्ष में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्वाभ्यास के लिए विशेष योग शिविर में JCI साहगंज शक्ति ने अपनी सहभागिता निभाई, जिसमें योग गुरु भवन प्रतिमा ने सभी महिलाओं योगियों को योग प्राणायाम आसन का अभ्यास कराया। JCI साहगंज शक्ति की टीम ने योग गुरु बहन प्रतिमा अग्रहरी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। संस्था की अध्यक्षा जेसी डॉक्टर मोहित चित्रवंशी ने कहा कि आप सबके साथ योग करके संस्था प्रसन्नता का अनुभव कर रही है। हम सब योग करें और दूसरों को योग करने के प्रति प्रेरित करें। हमारा प्रयास होगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग योग करें। योग शिविर का संचालन प्रतिभाग ग्रहरी व आभार प्रदर्शन JJ डॉक्टर प्रज्ञा चित्रवंशी ने किया। इस अवसर पर शुभ लक्ष्मी, रीता जायसवाल, नीतू, अमृता पांडे, प्रीति, प्रतिभा दुर्गा, परी, माधुरी, शीला, प्रीति, सौम्या, चंद्रकला, स्वाति, पूजा, नीलू आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। DS जौनपुर के लिए सताची सिंह की रिपोर्ट। दिवस के अवसर पर JCI शागन शक्ति और पतंजलि महिला समिति की ओर से हम लोग जो कोशिश है कर रहे हैं कि अधिक से अधिक योग शिविर लगाए जाए पूरे एरिया में और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इससे लाभान्वित। शागन शक्ति के माध्यम से मैं विश्व योग दिवस के उपलक्ष में JCI की महिलाओं के साथ मिलके ये कोशिश कर रही हूँ कि पतंजलि योग समिति महिला समिति के साथ मिलकर JCI की बहनें जगह जगह जा करके योग का प्रचार प्रसार करें और अधिक से अधिक महिलाओं को लाभान्वित होने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाएं इस कार्यक्रम के प्रति जागरूक हो, उन लोगों में एक तरह से उनके अंदर अपने स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूकता फैले और वे अधिक से अधिक तादाद में इस योग शिविर में उपस्थित हों और इससे लाभान्वित हों। क्योंकि करें योग रहे निरोग, हमी जी का नारा है और इस नारे को चरितार्थ करके दिखाएं। तो मैं JCI महिला शागन शक्ति की ओर से और पतंजलि महिला योग समिति की ओर से आप सभी को बधाई देती हूँ और कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में वे आए और जगह जगह योग शिविर स्थापित करें और इससे लाभान्वित हो, और यही हमारी इस महीने की मुहिम रहेगी और हम इसके प्रति कार्यशील हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सचेत कर रहे हैं कि वे भी इसके प्रति जागरूक हो जाएं और इसके से लाभान्वित हो। करें योग रहिए निरोग। महिला पतंजलि योग समिति की तरफ से आज 15वें दिन 25 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया है। आज उसका 15वां दिन है, जिसमें कि अधिक से अधिक मात्रा में महिलाएं यहाँ पर योग कर रही हैं, उससे लाभ ले रही हैं। तो आज जैसी शक्ति यहाँ पर उपस्थित है, तो सामूहिक रूप से हम महिला पतंजलि और उनके द्वारा यहाँ पर योग किया गया सरस्वती का भी बताओ ना। अपने इस मुहिम को ले चलते हुए हम लोग 21 जून को जो योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होने वाला है, उस योग दिवस में हम लोग एक साथ अधिक से अधिक संख्या में लोगों को इकट्ठा कर सकें, उसको उस बातों को और फैलाते हुए यही हम आशा करते हैं कि उस दिन भी महिलाएं अधिक से अधिक मात्रा में इकट्ठा हों और योग करें, उससे लाभ लें। करें।
25 दिवसीय शिविर का आयोजन हमारे सरस्वती शिशु मंदिर शाहगंज पुरान चौक में आयोजित है, जिसमें अधिक से अधिक महिलाएं अभी आज 15वें दिन इससे योग से लाभ ले रही हैं। और मैं चाहूंगी कि आसपास की महिलाएं अधिक से अधिक मात्रा में और लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पर योग करें और योग प्राणायाम साथ ही साथ कई सारी चीज़ों को उससे लाभ उससे होने वाले लाभों को बताया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन हमारे इसी प्रांगण में योग दिवस मनाया जाएगा, तो मैं चाहूंगी कि अधिक से अधिक महिलाएं इस योग शिविर में भाग लें, इस योग अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर में भाग लें, जो कि हमारा ये यहाँ पर इस प्रांगण में 3 साल से योगा हो रहा है और महिलाएं कई सारी महिलाएं आकर इस